अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। फैमिलियर नॉलेज में आपका स्वागत है। मेरे चैनल पे जो वीडियो दिखाई जाती हैं, सारी आइटमें जो भी होती हैं वो अवेलेबल होती हैं, ठीक है भाई। तो अपने डॉक्टर की सलाह मशवरा से लेते रहें। तो मैं आज आपके लिए अलग चीज़ लेके आया हूँ। आइटम है रूसोवाशिन, देख सकते हैं आप, 10 mg। तो इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये अपने आप में रूसोवाशिन सिंगल फार्मूला है और ये 10 mg है, आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसकी MRP की बात करें तो 10 टैबलेट एलोपैक में है और 115 रुपये है। तो दोस्तों हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, बहुत लोगों को पता होता है, बहुत को नहीं होता भाई, तो इसलिए वीडियो डाली जाती है ताकि थोड़ा बहुत कुछ सीख लिया जाए। तो दोस्तों आगे चलते हैं इसी की। ये तो सिंगल साल्ट हो गया रूसोवाशिन 10 mg, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जो दूसरा मॉलिक्यूल है इसी कंपोजिशन का, रूसोवाशिन कैल्शियम और फेनोफाइब्रेट, ठीक है दोस्तों। तो इसमें रूसोवाशिन कैल्शियम और फेनोफाइब्रेट, इसमें रूसोवाशिन है 10 mg और फेनोफाइब्रेट है 160 mg, ये देख सकते हैं दोस्तों आप इसको, ठीक है दोस्तों। ये भी एलो पैक में अवेलेबल है और इसकी MRP अप्रोक्स मेरे पास जो ब्रांड है 150 रुपये एक पत्ते की, यानी कि 10 टैबलेट की इसकी MRP है, ठीक है दोस्तों। तो पहले मैंने ये दिखाया आपको सिंगल साल्ट में, उसके बाद में ये दिखाया रूसोवाशिन कैल्शियम फेनोफाइब्रेट, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे चलते हैं इसी टैबलेट के, ये है दोस्तों इसी टैबलेट के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये रूसोवाशिन ही ग्रुप चल रहा है, रूसोवाशिन एस्पिरिन के साथ में, ये कैप्सूल फॉर्म में है दोस्तों। वो जो मैंने पहले दिखाई आपको रूसोवाशिन और सिंगल साल्ट वो टैबलेट है, रूसोवाशिन फेनोफाइब्रेट वो भी सिंगल साल्ट है वो। तो दोस्तों ये आपको है कैप्सूल रूसोवाशिन एस्पिरिन के साथ में। इसमें जो MG की बात करें, कंपोजिशन की बात करें, तो इसमें है रूसोवाशिन कैल्शियम 10 mg और एस्पिरिन है इसमें 75 mg, ठीक है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं और ये कैप्सूल फॉर्म में है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं रूसोवाशिन का अगला वेरिएंट, ये देखिए दोस्तों इसकी फुल रेंज मेरे पास अवेलेबल है। इसमें है रूसोवाशिन एस्पिरिन एंड क्लोपिडोग्रिल, ठीक है दोस्तों। ये है अपना कैप्सूल फॉर्म में। अच्छा इसमें भी फ़र्क है, ये रूसोवाशिन जो है इसमें 10 mg है, एस्पिरिन है 75 mg और क्लोपिडोग्रिल है इसमें 75 mg। ये आप कंपोजिशन देख सकते हैं इसका, ठीक है दोस्तों। और यह है कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है, एलो पैक में अवेलेबल है। अब आते हैं इससे भी सीनियर, इसका सीनियर फार्मूला है जो पहले गया था रूसोवाशिन, उसमें है 10 mg, इसमें है रूसोवाशिन 20 mg, एस्पिरिन वही 75 mg और क्लोपिडोग्रिल इसमें 75 mg, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं, ये किस काम में आता है। तो दोस्तों ये काम आता है जैसे खून को पतला करने के लिए, हार्ट से तमाम बीमारियों की जो हार्ट की प्रॉब्लम है आपकी, डॉक्टर उसमें रिकमेंड करते हैं। तो दोस्तों पेशेंट के जो भी प्रॉब्लम होती है, पेशेंट की प्रॉब्लम के अनुसार इसकी डोज कम ज़्यादा दी जाती है। किसी को सिंगल साल्ट रूसोवाशिन दिया जाता है जो मैंने शुरू में दिखाया था आपको, ठीक है दोस्तों। किसी को डॉक्टर जो है रिकमेंड करते हैं रूसोवाशिन एस्पिरिन के साथ में, ठीक है दोस्तों। पेशेंट की कंडीशन के अनुसार किसी को करते हैं रूसोवाशिन और फेनोफाइब्रेट के साथ में, और दोस्तों किसी को करते हैं रूसोवाशिन, किसी को रिकमेंड करते हैं रूसोवाशिन एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल में। और सबसे ज़्यादा कोई दिक्कत होती है, अगर यहाँ डॉक्टर की मर्ज़ी है, उसको दिखता है कि भाई पेशेंट को ये देना चाहिए जो ज़रूरी समझते हैं अगर डॉक्टर, तो रूसोवाशिन एस्पिरिन क्लोपिडोग्रिल 20 mg 75 में दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये खून पतला करने के साथ साथ में दिल की सभी बीमारियों को ठीक करती है, और हाई कोलेस्ट्रॉल में भी ये दिया जाता है, हार्ट अटैक में भी दिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ शेयर करें। तो अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। दिल घबरा सकता है आपका, इसको मेडिसिन को लेकर के चक्कर आ सकते हैं, या मन ख़राब हो सकता है, उल्टी आ सकती है, चेस्ट के आसपास का पेन बढ़ सकता है, घट सकता है। तो दोस्तों कोई भी मेडिसिन लें अपने डॉक्टर के कंसल्ट के अनुसार ही लें, ठीक है दोस्तों। के ज़रिए आप वीडियो शेयर करेंगे तो किसी और को भी थोड़ी नॉलेज हो जाएगी भाई, ठीक है दोस्तों।
तो जैसे डॉक्टर ये फॉर्मूला देते हैं, आप स्ट्रिप पे देखते हैं, हाँ भाई ये फॉर्मूला है, यानी कि मुझे हार्ट की दिक्कत है। या कई बार क्या होता है, जो फॉर्मूले के बारे में मैं बताता हूँ, कई बार कोई मेडिसिन स्ट्रिप घर में रखी रहती है, तो हम ये भी देख सकते हैं यार ये बहुत साल पहले ली थी, इसकी एक्सपायरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो ये किस काम में आती है। हो सके आप मेडिकल स्टोर पर जाएँ, उसको वापस कर दें, क्या पता आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई हो। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जानकारी लेना आवश्यक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।